तो फ्रेंड्स हम वेडिंग रिसेप्शन में जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, अलग अलग थीम पार्टीज अटेंड करते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं, फोटो बूथ सेल्फी बूथ्स होते हैं, आईपीएल जाते हैं, वहां पर हम मजे करते हैं। तो हम मजे तो करते हैं, लेकिन ऐसे सक्सेसफुल इवेंट्स के पीछे कमाल या मैजिक है इवेंट मैनेजमेंट का। तो आज का टॉपिक है इवेंट मैनेजमेंट। मैं सीएस गौरव सेठ फ्रॉम शेपर्स एजुकेशन, और आज का टॉपिक है इवेंट मैनेजमेंट। वीएनएसयू का फर्स्ट ईयर का सेम टू का टॉपिक, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर से जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं उसे आपको अच्छे से करके जाना है, और गारंटीड आपके मार्क्स इवेंट मैनेजमेंट में सिक्योर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इवेंट मैनेजमेंट। तो देखते हैं, आपको पता ही है इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है। आज के टाइम पे इसका स्कोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इवेंट मैनेजमेंट की आपको सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, इवेंट की ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इवेंट जो है वो एक डिफाइंड अकरेंस है, एक इवेंट होता है, प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कि हम कोई पर्टिकुलर मैसेज मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल रैलीज की बात करो, तो वो जो है अपने प्रचार के लिए जो है पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, तो ये भी एक तरह का इवेंट ही कहलाता है। तो आपको दो डेफिनेशन दे रखी है, ये देखिए, इवेंट मीन्स ओकेशन सेलिब्रेशन और अ कॉन्सर्ट। कुछ भी कॉन्सर्ट होना, म्यूजिक कॉन्सर्ट होना, लाइव कॉन्सर्ट होना, डांस कॉन्सर्ट होना, कोई भी ओकेशन जैसे शादी हो गया या ऐसे कोई भी पार्टीज हो गई, तो ये सब जो है ये भी इवेंट्स के अंदर कवर होते हैं। याद रखना, यहाँ पे सिर्फ इवेंट की ये डेफिनेशन है, इवेंट मैनेजमेंट की अलग डेफिनेशन होगी। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट। तो इवेंट जो है वो काफी ज्यादा यूनिक होता है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट जो है वो होता है, लाइफ एक्सपीरियंस होता है। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं अलग अलग थीम से, तो ये वन टाइम एक्सपीरियंस या वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इवेंट जो है वो किसी ऑब्जेक्टिव और एम को पूरा करने के लिए होते हैं। जैसे कि हम मैरिज की बात करते हैं, वेडिंग, तो उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मैरिज या वेडिंग जो है जैसा हमने प्लान किया था उस हिसाब से पूरा अच्छे से उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाए, केटरिंग सारी सर्विसेज अच्छी हो, जो भी प्लानिंग जो हमने किया उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इवेंट और प्रोजेक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा टाइम के लिए होते हैं, और इवेंट जो है वो थोड़े कम टाइम के लिए, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 1 दिन 2 दिन या पर्टिकुलर एक इवनिंग की बात करो तो इवेंट कंपैरेटिवली प्रोजेक्ट से कम शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के होते हैं। नेक्स्ट, इवेंट जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट या पैसों की या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि के हम रिसोर्सेस को मैनेज कर सके। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इवेंट के अंदर बहुत ही केयरफुली प्लानिंग हमें करनी पड़ती है, पहले ये होगा फिर उसके बाद ये होगा इस टाइम पे ये होगा, तो हमें एकदम अच्छे से सोच समझ के प्लानिंग करनी पड़ती है। जितने भी फंक्शंस हैं, मैनेजेरियल फंक्शंस हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, ये सारे जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर इवेंट के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क और अनसर्टेनिटीज रहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वेडिंग का वेन्यू जो है वो ओपन ग्राउंड रखा है और अचानक से बारिश आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इवेंट में रिस्क और अनसर्टेनिटीज भी रहती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, इवेंट मैनेजमेंट। फर्स्ट हमने इवेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसकी डेफिनेशन देखी, अब हम स्पेसिफिकली जो हमारा चैप्टर है इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट को किस तरीके से मैनेज करना है, अलग अलग जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो लगाने हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, तो उसे हम बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एन इवेंट। इवेंट को अच्छे से मैनेज करना, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, तो वो होता है इवेंट मैनेजमेंट। और इवेंट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग, किस तरीके से क्या थीम होनी चाहिए, क्या वेन्यू होना चाहिए, कितने ऑडियंस है, तो ये सब जो है डिजाइन करना, क्या थीम है और इवेंट को बनाना या प्रोड्यूस करना, तो वो होता है इवेंट मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये सिलेबस में हमारा कवर्ड है। तो देखते हैं, सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है अगर हम कुछ इवेंट कर रहे हैं तो उस इवेंट को पूरा करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल है। जो भी इवेंट है, पॉलिटिकल रैलीज की अगर बात करो, कोई किटी पार्टीज की बात करो या आईपीएल इवेंट की बात करो, तो
इवेंट मैनेजमेंट का यही एम है या यही नेचर है कि जो भी इवेंट हमने सोचा है, जैसा प्लानिंग करी है, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छे से हो और हमारा गोल जो है वो पूरा हो। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर दे ही रखा है, एक इवेंट जो है वो इज डायरेक्टेड टू अचीव द गोल, जो हमने सोचा है वो पूरा अच्छे से हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपको पता ही है, एकदम इजी है, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोसेस। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोसेस की बात करें तो वो हो गया वेडिंग। ठीक है, अलग अलग थीम से पार्टीज रखना, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डेट पे, अलग अलग थीम्स रखना, क्या रिसेप्शन में होगा, क्या पूल पार्टीज हो गई। तो यहाँ पर हमें क्लाइंट की आज के टाइम पर बहुत डिमांड रहती है कि जो भी हमारी थीम हो वो काफी ज्यादा इनोवेटिव हो और क्रिएटिव हो। तो यही नेचर या कॉन्सेप्ट है कि इवेंट जो है वो क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोसेस है। यहाँ पर अच्छे से हम अगर इनोवेशन लाएंगे तो हमारा इवेंट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ग्रो करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इवेंट मैनेजमेंट जो है ऐसा नहीं है कि हम क्लाइंट से बात नहीं कर रहे हैं या रैंडमली कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हम इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में हैं तो उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। क्लाइंट से किस तरीके से डील करना है, उससे कैसे बात करनी है, क्या बजट है, क्या कैसे डिस्कशन करने हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पर्सन को यहाँ पर एम्प्लॉय कर दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इंक्लूड। तो इवेंट में अगर है तो प्रोफेशनलिज्म में आएगा, यहाँ पर सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है और एक्टिविटीज को किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्या बजट होना चाहिए, कितना हम कम कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग हमें देनी पड़ती है मेंबर्स को ताकि के वो इवेंट में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए, और प्रॉपर डायरेक्टिंग टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो है उनको हम प्रॉपरली अच्छे से लीडरशिप और डायरेक्ट कर सके ताकि के हमारा इवेंट जो है वो सक्सेसफुल रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। एक सीरीज है, इवेंट बाय इवेंट, पहले ये होगा फिर ये होगा। जैसे कि हम आईपीएल की बात करते हैं तो पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, फिर ओपनिंग सेरेमनी के बाद टॉस होगा, टॉस के बाद मैच होगा। तो इस तरीके से अलग अलग सीरीज वाइज जो है इवेंट्स होते हैं, किस टाइम पर क्या होना चाहिए वो यहाँ पर है। तो इसीलिए इवेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अंदर जितने भी हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब जो है वो कवर होते हैं। तो इसीलिए इवेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो अगर हम ग्रुप एफर्ट की बात करें तो ग्रुप एफर्ट में टीम मेंबर जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे से चलें तो हम जो है उसको पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को। तो अगर हमें इवेंट मैनेजमेंट को सक्सेसफुली मैनेज करना है तो इसमें सिर्फ एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, पूरे टीम का एज अ होल कंट्रीब्यूशन या कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जिससे कि हम हमारे इवेंट को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा गया है, इट रिक्वायर्स अ साउंड लीडरशिप। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लीडर ही मोटिवेटेड नहीं है, वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, लोग उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा लीडर होना चाहिए जिसके फॉलोवर्स हो और वो जो है जैसा जैसा कहे वैसा वैसा जो भी टीम मेंबर से उसकी बात को माने। तो यहाँ पर साउंड लीडरशिप जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, उसी के इन्फ्लुएंस से, मोटिवेशन से और इंस्पिरेशन से एम्प्लॉय जो है वो इंस्पायर होंगे और जैसा हमने प्लान किया है उस तरीके का इवेंट का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली होगा। तो इसीलिए इवेंट मैनेजमेंट में साउंड एंड इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइडर स्कोप। आज के पर्टिकुलर 21st सेंचुरी की हम बात करें तो आज के टाइम पर इवेंट मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप जो है वो बन चुका है, लोग जो है इसको एज अ करियर भी ऑप्ट कर रहे हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट का वाइडर स्कोप भी है और अलग अलग, जैसे कि रिलीजियस इवेंट हो गए, पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, एजुकेशनल इवेंट्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स का स्कोप भी है इवेंट मैनेजमेंट में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स इफेक्टिव प्रमोशंस। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट में इफेक्टिव प्रमोशन की जरूरत है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी ऑफ द इवेंट। अगर हमारा इवेंट मैनेजमेंट है तो हमें इवेंट मैनेज को भी, हमारे को अगर फेमस होना है, ग्रो होना है, बिल्ड होना है, फ्लरिश होना है,
तो हमें पब्लिसिटी जो है वो करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है इवेंट की, और कस्टमर्स हमारे क्लाइंट्स के साथ गुड रिलेशन जो है वो मेंटेन कर कर रखना है, टू कम्युनिकेट एंड पॉपुलराइज एनी इवेंट, किसी इवेंट को फेमस करना है तो उसके अंदर हमें उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज या पब्लिसिटी जो है वो करनी पड़ती है। आई होप आपको ये सारे जो है नेचर और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए हो। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, या क्यों आज के टाइम पे इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत है, या नीड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। तो देखते हैं क्यों। सबसे पहला, अगर हम आज के टाइम पर बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है तो आज के टाइम पर जो है ये हमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। हम इवेंट मैनेजमेंट में करियर भी बना सकते हैं जिसमें हम बहुत अच्छी सैलरीज और पैकेजेस अर्न कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर ये हमें करियर अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज देता है। जैसे कि देखिए, हम इवेंट मैनेजर्स बन सकते हैं, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजर्स हो गया, एंटरटेनमेंट मैनेजर्स हो गया, सिक्योरिटी मैनेजर्स, तो अलग अलग स्कोप जो है करियर्स के यहाँ पर हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे हमारा इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हम इवेंट्स देते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ती जाएगी, ग्रोथ हमारा जो है वो बहुत होगा, इवेंट मैनेजमेंट का जो बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा फ्लरिश होगा। तो देखिए, ओवर टाइम विथ एक्सपीरियंस, जैसे जैसे हमारे इवेंट्स होते जाते हैं सक्सेसफुली, वैसे वैसे प्लानर्स और मैनेजर्स जो है वो एक एंटरप्रेनर भी बन सकते हैं, बड़े लेवल पर वो काम कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत अर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी टू स्विच करियर। तो आज के टाइम पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, आज के टाइम पर हम हमारे करियर्स को स्विच भी कर सकते हैं। हम कोई किसी फील्ड में है लेकिन उसे वहां पर सैलरी जो है वो इतनी नहीं मिल रही है, तो अगर वो क्रिएटिव और इनोवेटिव है तो वो अपना करियर जो है वो इवेंट मैनेजमेंट में स्विच भी कर सकता है, वो अपना जॉब जो है पहले से चेंज कर कर इवेंट मैनेजमेंट में भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है आज के टाइम पर। यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट में कोई पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत नहीं होती है या रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए कोई भी जो है अपना करियर जो है वो बना सकता है, पहले की जॉब से वो यहाँ पर स्विच कर सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अवेबिलिटी ऑफ मोर जॉब्स। मींस आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट का स्कोप बढ़ चुका है, तो लोगों को बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है इवेंट में और यहाँ पर सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इसीलिए हम आज के टाइम पर ज्यादा जॉब जो है वो इसमें है और लोग जो है इसे करियर में ऑप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वही चीज लिखी हुई है कि इवेंट मैनेजमेंट में हमें क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, विथ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो है अगर हम लिटरेट हैं, हम इनोवेटिव है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी पे पैकेजेस या इनकम अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती है, और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे पे पैकेजेस जो है, सैलरी जो है वो यहाँ पर बढ़ती ही जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसे ग्लोबल इवेंट मैनेजमेंट को ग्लोबल रीच मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही लिमिटेड है। इवेंट मैनेजमेंट अगर हमारा बहुत सक्सेसफुली फ्लरिश हो रहा है, हम सक्सेसफुली इवेंट्स कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल रीच या ग्लोबल रीच भी मिलती है। हम ग्लोबली आउट ऑफ इंडिया जाकर या आउट ऑफ पर्टिकुलर एक लोकल एरिया से जाकर बाहर भी हमारा इवेंट मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट में ग्लोबल रीच भी है, हम बाहर तक पहुंच सकते हैं और बहुत पैसा जो है इसमें कमा सकते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज टाइप्स, कैटेगरी और स्कोप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं तो उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला रिलीजियस इवेंट हो गया, द बेस्ट एग्जाम्पल इज जो कुंभ मेला जो है, वहां पर इवेंट होते हैं, वहां पर आरतीज होती है, पंडाल कहाँ पर रखाना है, प्रसाद सेंटर्स कहाँ पर है, लोगों को जो भक्त आते हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो ये पूरा जो है रिलीजियस इवेंट हो गया। तो ये रिलीजियस इवेंट मैनेजमेंट में कवर होता है, जो लोग हज की यात्रा पर जाते हैं
तो रिलीजियस इवेंट मैनेजमेंट हो गया एक। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल इवेंट, जहां पर लोग जो है वो सोशली अपने आप को सोशलाइज करते हैं, गैदर होते हैं, तो वो सब जो है वो कवर होते हैं सोशल इवेंट में। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एग्जाम्पल वेडिंग हो गया, एनिवर्सरीज हो गया, बड़े बड़े गाला डिनर्स हो गए, फाइव स्टार लग्जरी डिनर्स हो गए, तो ये सब जो है वो सोशल इवेंट्स में कवर हो जाते हैं। और फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा ही, अगर सूरत का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर बहुत, गुजरात का एग्जाम्पल ले, सिर्फ सूरत का ही नहीं, तो यहाँ पर नवरात्रि सेलिब्रेशन, गणेश चतुर्थी, तो यहाँ पर लोग जो है बहुत इवेंट मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि कि उनका इवेंट जो है वो अच्छे से हो। तो ये सब जो है वो कॉम्बिनेशन है रिलीजियस, जैसे कि नवरात्रि की बात करें कि तो माता जी से रिलेटेड है, प्लस उसी के साथ साथ सोशल गैदरिंग भी होती है, तो ये रिलीजियस और सोशल इवेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स, ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, जो पॉलिटिकल रैलीज होती है, इवन कोरोना टाइम्स में भी रैलीज होती है, तो यहाँ पर ये जो है वो पॉलिटिकल, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है, जहां पर के हमें वोट दे, तो ये सारे जो है वो पॉलिटिकल इवेंट्स में आते हैं। कैसे प्रचार करना है, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर मंच होगा, तो ये सारे जो है वो पॉलिटिकल इवेंट्स में आ जाते हैं, जहां पर वो स्पीकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हो गया नेटवर्किंग इवेंट्स। नेटवर्किंग इवेंट्स का मतलब होता है जहां पर हम हमारे बिजनेस को बिल्ड करते हैं, फ्लरिश करने के लिए हम अलग अलग क्लाइंट से मिलते हैं, तो वो होता है नेटवर्किंग इवेंट्स। तो यहाँ पर देखिए इंटेंशनली मीटिंग पीपल, उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ाना, हमारे बिजनेस के बारे में बताना और नेटवर्किंग बढ़ाना, तो ये सब जो है वो नेटवर्किंग इवेंट्स में कवर हो जाता है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एक बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब हम देखते हैं एंटरटेनमेंट इवेंट, जो कि म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो गए, लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो गए, डांस कॉन्सर्ट्स हो गए, तो ये सब ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, ग्लोब अवार्ड्स हो गए, फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है, जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इवेंट्स जो है वो होते हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट में कवर होते हैं। नेक्स्ट देखिए अवेयरनेस बिल्डिंग इवेंट। तो अवेयरनेस बिल्डिंग इवेंट्स में जैसे कि हमें लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी है, तो अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने के लिए जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बहुत जो अवेयरनेस फैलाते हैं वाया मैराथॉन्स, ठीक है, मैराथन रेस होती है, तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो रैलीज हो गया, कैंडल लाइट मार्चेस हो गए, मैराथन्स हो गए, तो जहां पर हम लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाते हैं तो वो हो गए अवेयरनेस बिल्डिंग इवेंट्स। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इवेंट, बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, IPL इंडियन प्रीमियर लीग, फीफा वर्ल्ड कप की बात करो, तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स इवेंट में कवर हो गए। एजुकेशनल और एकेडमिक्स इवेंट, जहां पर अलग अलग एजुकेशन से रिलेटेड काउंसलिंग हो गई, करियर कहाँ पर बनना चाहिए, तो उससे रिलेटेड एजुकेशन या एकेडमिक्स से रिलेटेड इवेंट्स जो है वो इसके अंदर कवर होते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस और इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो मिलते हैं और वो सारा डिस्कस करते हैं, और उसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि सेमिनार्स हो गया, वर्कशॉप्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस जो हो गए, जो कैंपस में प्लेसमेंट्स होते हैं, जॉब प्लेसमेंट्स होता है, ये सब जो है वो एकेडमिक और एजुकेशनल इवेंट्स में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस इवेंट्स। बिजनेस इवेंट्स मीन्स कॉर्पोरेट इवेंट्स, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेस जो है, जो ठीक है कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गया, वो अलग अलग इवेंट्स रखती है, जैसे कि मीटिंग्स हो गई, ठीक है, कन्वेंशंस हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, प्रेजेंटेशन हो गया, तो ये जो भी कॉर्पोरेट या बड़े बड़े बिजनेस से रिलेटेड है, जहां पर फॉर्मल मीटिंग्स की जाती है, प्रेजेंटेशंस किए जाते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक इवेंट होता है, वो कवर हो जाता है बिजनेस इवेंट में। इसके अंदर स्मॉल गैदरिंग्स हो गई, जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स हो गए, तो बोर्ड मीटिंग हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग्स हो गई, तो ये सब जो है कवर होते हैं कॉर्पोरेट और बिजनेस इवेंट में। नेक्स्ट देखते हैं क्राफ्ट एंड क्रिएटिविटी इवेंट्स। बेस्ट एग्जाम्पल इज एग्जीबिशन, जो अलग अलग एग्जीबिशन होते हैं, जहां पर क्राफ्ट और क्रिएटिविटी जो है लोग अपने बताते हैं, तो वो सारे कवर हो जाते हैं क्राफ्ट एंड क्रिएटिविटी इवेंट्स में। जैसे कि देखो एग्जीबिशन हो गया, फेयर्स हो गए, अलग अलग एक्सपोज जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो सब जो है क्राफ्ट और क्रिएटिविटी इवेंट्स में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमोशनल इवेंट या प्रोडक्ट लॉन्च। आपने देखा ही होगा आज के टाइम पे प्रोडक्ट लॉन्चिंग जो है वो बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है, तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग से रिलेटेड या अपना नया नया बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है, तो उसके पब्लिसिटी के लिए, उसके प्रमोशन के लिए हम जो इवेंट करते हैं वो होता है प्रमोशनल इवेंट्स।
या प्रोडक्ट इवेंट, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की रीच जो है वो बढ़े। तो इसीलिए ये सब कवर होते हैं प्रमोशनल या प्रोडक्ट लॉन्चेस में। और नेक्स्ट है जो कि छोटे मोटे इवेंट्स या माइनर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि किट्टी पार्टीज हो गई, ठीक है, जहां पर लोग जैसे सोसाइटी में जो भी लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक साथ गैदर हो रहे हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो छोटे छोटे इवेंट जो होते हैं वो माइनर या स्मॉल इवेंट्स में आ जाते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा है जैसे टिफिन पार्टीज, आपने सुना ही होगा, या किटी पार्टीज हो गई, या ऐसी छोटी सोशल गैदरिंग्स लोगों की, वो सब कवर होती है माइनर और स्मॉल इवेंट्स में। तो हमारा इवेंट मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। आपको आई होप सारा क्लियर हो गया हो। जो मैंने टॉपिक्स जो पढ़ाए हैं वही एग्जाम्स में आने वाले हैं VNSGU की। तो ये जो लेक्चर जो है इसे अच्छे से पढ़िए और मार्क्स को पक्का गारंटी स्कोर कीजिए।